हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम गोडाउन ऑप्शन चालू करने की बात करेंगे टैली प्राइम में। ईआरपी 9 में आप सीख चुके हैं, आप जानते हैं कि कैसे एक्टिवेट करना है। टैली प्राइम थोड़ा सा नया है तो इसके लिए गोडाउन ऑप्शन बता रहा हूं कि कैसे चालू करना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पे ही मौजूद रहना है। देखिए मैं गेटवे ऑफ टैली पर ही मौजूद हूं और यहां पर मौजूद रह करके आपको क्या करना है, यहां से आना है चार्ट ऑफ अकाउंट पर। तो चार्ट ऑफ अकाउंट पर आ जाइए, क्लिक कर दीजिए, या चार्ट ऑफ अकाउंट पर जाने का तरीका यह भी है कि यहां पर जाने के लिए आप एच प्रेस कर सकते हैं। तो एच जैसे ही प्रेस करेंगे आप आ जाएंगे लिस्ट ऑफ मास्टर्स, यानी चार्ट अकाउंट आपका खुल जाएगा, जो भी ये चार्ट अकाउंट दिया हुआ है चार्ट ऑफ अकाउंट ये खुल जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आने के बाद गोडाउन ऑप्शन आपको नीचे शो होगा, ये देखिए यहां पर आपको गोडाउन ऑप्शन शो होगा। आप गोडाउन बनाना चाहते हैं तो यहां पर एंटर प्रेस करें, देखिए एक गोडाउन मैंने बना रखा है न्यू कॉलोनी, ठीक है। अब न्यू कॉलोनी गोडाउन तो हमने बना रखा है, और भी कोई गोडाउन अगर आप बनाना चाहें, जैसे मान लीजिए मैं कर देता हूं यहाँ पे राघव नगर, ठीक है, ये राघव नगर कर दिया हमने, एंटर प्रेस किया और एंटर प्रेस करके यहाँ प्राइमरी ही रखता हूं मैं। तो ये देखिए राघव नगर भी गोडाउन हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। और इस तरह से हम गोडाउन बना सकते हैं, आप यहां पर आएंगे तो ये देखिए ये राघव नगर गोडाउन हमें दिख रहा है, ठीक है। और अगर देख पा रहे होंगे कि यहां पर सिर्फ एक ही गोडाउन दिख रहा है, अगर मैं यहां पर फिर एंटर करता हूं तो यह राघव नगर दिख रहा है, और यहां पर अगर मैं न्यू कॉलोनी या फिर कोई और भी गोडाउन बनाना चाहूं, जैसे मान लीजिए मैं करता हूं रोड, ये मालविया रोड नाम का एक गोडाउन बना रहा हूं, तो यहां पर देख सकते हैं आप जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा ये बंद तो जाएगा लेकिन न्यू कॉलोनी गोडाउन गायब हो जाएगा, ठीक है, वो हमें नहीं दिखेगा। तो यहाँ गोडाउन पे जैसे ही आएंगे तो वो तो शो ही नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये मल्टी मास्टर, आपको ये जो मल्टी मास्टर दिख रहा है यहां पर आना है, ठीक है, और अल्ट के साथ एच प्रेस करना है। अब यहां पे दिया है मल्टी क्रिएट मल्टी अल्टर, हमें अल्टर तो करना नहीं है, हमें क्रिएट ही करना है, तो हम यहां मल्टीपल गोडाउन की बात करेंगे, ठीक है। अब ये जो मालविया रोड गोडाउन है, ठीक है, इसे हम ले लेते हैं, ठीक है, ये मालविया रोड गोडाउन के अंडर में ही अब हम गोडाउन बनाने वाले हैं। तो एक साथ कई सारे गोडाउन, देखिए जैसे मैं करता हूं यहां पे न्यू कॉलोनी देवरिया, ये एक गोडाउन हो गया, ठीक है, और इसे मालविया रोड में डाल दिया हमने। फिर देखिए दूसरा गोडाउन मैं करता हूं राघव नगर, जो मैं बना रहा था अब सब वो दिखेगा राघव नगर, ठीक है, एंटर प्रेस किया ये हो गया। अब तीसरा गोडाउन कुछ और भी बनाना चाहे, जैसे कि मैं कर देता हूं राजेंद्र नगर, ठीक है, मान लीजिए तीन ही गोडाउन हो तो यहां से आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो अब ये तीनों गोडाउन दिखेगा, ठीक है, और जब आप एंट्री पास करने जाएंगे, जैसे बात करूं मैं परचेज वाउचर की, तो यहां पर अब आपको गोडाउन भी ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहां पे मान लीजिए कैश में ही एंट्री पास कर रहा हूं, इसको एंटर 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 प्रेस करके एक्सेप्ट करा लिया हमने और एंटर प्रेस किया, यहाँ पे परचेज अकाउंट आ गया। अब यहाँ पर जो भी स्टॉक आइटम है, अगर कीबोर्ड लेता हूं मैं तो तुरंत गोडाउन आ जाएगा, आपको किस गोडाउन में रखना है इसे, ठीक है। अगर न्यू कॉलोनी गोडाउन में रखना हो तो न्यू कॉलोनी में डाल दीजिए, राघव नगर में रखना हो तो राघव नगर में डाल दीजिए, ठीक है। जैसे 60 आइटम हम राघव नगर गोडाउन में रख रहे हैं, ठीक है, और भी अगर आप देना चाहें, जैसे मान लीजिए न्यू कॉलोनी गोडाउन में भी 50 आइटम आपको रखना हो तो यहाँ पे डाल दीजिए, जो भी जितना भी आइटम रखना हो तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि ये आ गया राघव नगर, राजेंद्र नगर में भी कुछ रखना हो तो यहाँ पर 80 आइटम यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। इसी तरह से अगर मेन लोकेशन यानी कि मालविया रोड गोडाउन में भी कुछ डालना चाहे तो यहाँ पे 80 आइटम यहाँ पर भी डाल दीजिए और अब करा लीजिए इसको एक्सेप्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुल मिला के क्वांटिटी कितनी है इसकी, ठीक है, यहाँ पे इसको मैं कराता हूँ एक्सेप्ट, नरेशन नहीं डाल रहा, आप चाहे तो डाल सकते हैं। यहाँ पर आ गया, बाहर आ जाऊंगा। अब बाहर आने के बाद आपको क्या करना है, चलना है, देखना है कि स्टॉक आइटम कितना मौजूद है, तो आप एस प्रेस कर लीजिए। तो ये देखिए कीबोर्ड के कुल मिला के 430 आइटम मौजूद है हमारे पास, ये देख सकते हैं क्वांटिटी कितनी दिखा रही है 430, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि कैसे हम मल्टीपल गोडाउन क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो समझ आए तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।